वहीं आज जेपी दलाल के दौरे को लेकर की खबर सामने आई है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की समस्याएं किसानों के लिए अब नहीं रहने दी जाएंगी। तो आइए एक नजर डालते हैं कि उन्होंने और क्या क्या कहा और यहाँ के लिए कितना बजट आवंटित किया है। प्रदेश के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा, लोहारू विधानसभा क्षेत्र में पेयजल, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सिंचाई संबंधी विभिन्न परियोजनाओं पर 550 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च की जा रही है। कृषि मंत्री दलाल ने शुक्रवार को लोहारू विधानसभा क्षेत्र के गांव घड़वा, ढाणी, दयाचंद, ढाणी, रामजस, केकराल, सिवानी सहित विभिन्न गांवों का दौरा किया और लोगों की समस्याओं को भी सुना है। उन्होंने जन समस्याओं को सुनते हुए लोगों का आश्वासन दिया कि लोहारू हल्के में कोई समस्या नहीं रहने दी जाएगी। अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी दिए हैं। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में नहरी पानी उपलब्ध करवाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में विभिन्न माइनरों रजवाहों की रिमॉडलिंग करवाई जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि रजवाहों में टेल तक पानी पहुंचाने के लिए कारगर कदम उठाए गए हैं ताकि किसानों को पर्याप्त मात्रा में सिंचित जल उपलब्ध होने के साथ साथ जल घरों में भी पानी की आपूर्ति की जा सके। विभिन्न योजना प्रभाव लोहारू में बकरी प्रजनन केंद्र की स्थापना करने के अतिरिक्त गांव गोठड़ा व मंडोली कला में नए पशु चिकित्सालय बनाए जाएंगे। गांव बड़ालू में नया पशु औषधालय बनाया जाएगा और इसी अवसर पर ठेकेदार प्रदीप पिलानिया, दिनेश कटपालिया सहित कई लोग वहां पे उपस्थित रहे। कुछ मंडियों में मैं गया हूँ और वहाँ पर पानी की व्यवस्था, बारदाने की व्यवस्था, हालांकि अभी जो है आवक नहीं है, गेहूँ की फसल पकी हुई नहीं है और सरसों जो है पहले ही MSP से ऊपर बिक रही है, जिससे किसान खुश है। और सामाजिक कार्यक्रम के बहुत सारे हल्के के उनमें हिस्सा लेके हमारा तो एक ही लक्ष्य है कि लोहारू हल्का जिसके अंदर सिवानी, बहल और लोहारू आते हैं 90 के 90 हल्कों में एक नंबर पर बढ़ाना है। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं और मेरे जो आशीर्वाद देने वाले किसान भाई हैं, सारे खेती करने वाले लोग हैं, उनका पूरा पूरा जब तक आशीर्वाद रहेगा लोहारू को पूरे 90 के 90 में एक नंबर पर।